सो वेलकम बैक। सो हाँ, स्वागत है आप लोगों का मेरी नई वीडियो में। सो जैसे आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि हम जो है वो 30 साल के हो चुके हैं, मतलब हाँ काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब हाँ एक जॉब कर रहे हैं हम शायद, और यहाँ पे पता नहीं क्या सीन होने वाला है। हम भाई बातें कर रहे थे क्या सारे फ्रेंड्स मिलके, और यहाँ पे बॉस आ गया भाई, मतलब खतरनाक है भाई, गालियाँ पड़ने वाली है क्या भाई। हमें बॉस के साथ प्रैंक करना है क्योंकि बॉस ने हमें खतरनाक गालियां दे दिया है। सो हम क्या कर सकते हैं, बकेट फेंके या बनाना फेंके, क्या करें? बकेट फेंकते हैं भाई, बकेट सही रहेगी। यहाँ पे क्या पता पानी में स्लिप हो जाए, बट मुझे नहीं लगता भाई। शिट यार भाई, खतरनाक ही, मतलब हाँ भाई ये मज़े आए भाई। हाँ और गालियाँ दे दें हमें ज़रा भाई। चला दोबारा बैठ गया क्या? अच्छा दोबारा प्रैंक करना है क्या भाई इसके साथ? कैंडल रख देते हैं ताकि इसका पिछवाड़ा जल जाए। बढ़िया बैठ जा। ओ शटो भाई, इसका पिछवाड़ा ही जल गया वाला भाई क्या खतरनाक गेम है यार। सो भाई गेम तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है यार, मतलब हाँ इसके पिछवाड़े में जो है वो आग ही लग गई। बढ़िया, अब हम लोग जो है वो 30 से और ज़्यादा बड़े होने वाले हैं। हाँ अब हम हो जाएंगे 31 के शायद, हाँ 31 के हो जाएंगे। सो फाइनली जो है हम 31 के हो चुके हैं। मैं अपने बच्चे और वाइफ के साथ चला हुआ हूँ। और हे सर, कैन आई यूज़ योर फोन फॉर ए कॉल? अच्छा भाई ये स्ट्रेंजर है और इसको हमारा फ़ोन चाहिए कॉल के लिए। नो इट्स आउट ऑफ चार्ज, आई एम ऑन अनदर कॉल। भाई अगर मैं ऐसा बोलूँगा आई एम ऑन अनदर कॉल तो झूठ है, ऐसा बोलता हूँ कि इसमें चार्जिंग नहीं है। क्या होता भाई ये चोरी ना ले जाए मैं हमारा फ़ोन, मैं कहाँ दौड़ूंगा। ऑल राइट थैंक्स एनीवे। भाई बंदा जो है वो नाराज़ नहीं हुआ, थैंक्स बोल दिया। सो हाँ यहाँ पे जो है बच्चा बोलेगा अब आइसक्रीम खाने के लिए, डैड आई वांट आइसक्रीम। अच्छा भाई इसको आइसक्रीम चाहिए, नाक से इसके सीम निकल रहा है और यहाँ पे इसको आइसक्रीम चाहिए। बढ़िया है, चलो इफ़ यू ईट ब्रोकली एट होम नो इट मेक पीपल अगली। भाई क्या बोल सकता हूँ मैं, इफ़ यू ईट ब्रोकली एट होम, भाई ये बोलता हूँ कि ये भाई पीपल लोगों को ठीक नहीं रखता है, मतलब हाँ बेकार बना देता है, तो क्या बताए मान जाए। बट शी इज सो प्रीटी। अच्छा भाई पर ये बोल रहा है कि ये जो आइसक्रीम खा रही है ये प्रीटी है, तो मैं कैसे बुरा हो जाऊंगा? सो भाई मेरे को बोलना पड़ेगा कि हम घर जाके खाएंगे, ऐसा बोल सकता हूँ घर जाके ब्रोकली खाएंगे, वरना नाराज हो जाएगा भाई। इफ यू ईट ब्रोकली एट होम, वरना भाई ये यहाँ पे नाराज हो जाएगा। बढ़िया ओके भाई, बढ़िया खुश हो गया है। हाँ अब नेक्स्ट लेवल देखते हैं उसमें क्या सीन होने वाला है हम लोग क्या। सो भाई फाइनली मतलब जो है वो नेक्स्ट लेवल चल पड़ा है अब। और यहाँ पे जो है परी ने मेरी और ज़्यादा नोज लंबी कर दी हुई है भाई, कितनी ज़्यादा लंबी होगी। मतलब इसने बचपन में ही बोला था जितने ज़्यादा तुम झूठ बोलोगे उतनी ज़्यादा तुम्हारी नोज बड़ी होते जाएगी। अब मैं होने वाला हूँ 32 का, हाँ 32 का होने वाला हूँ। और अब देखते हैं 32 में मुझे क्या करना है। फ्रेंड आई गॉट बास्केटबॉल टिकट्स। भाई भाई मैंने पढ़ा ही नहीं यार। अच्छा बास्केटबॉल टिकट के लिए बोल रहा है मेरा फ्रेंड, डैड टीच मी मैथ्स। भाई ये बच्चा बोल रहा है कि मुझे मैथ पढ़ना है, और वहाँ पे मेरा फ्रेंड बोल रहा है कि मैंने बास्केटबॉल की टिकट्स ली हुई है। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, गोइंग टू मीट सिक फ्रेंड्स, हैव ए वर्क एमरजेंसी। भाई यहाँ पे मैं क्या झूठ बोलूँ भाई, ऐसा बोलूँ कि मेरा फ्रेंड जो है अभी बीमार है मुझे उसके पास जाना है, या एमरजेंसी का बहाना लगाता हूँ भाई फ्रेंड का कुछ गेम हो सकती है। हाँ एमरजेंसी का बहाना लगाऊंगा तो शायद बच भी जाऊँगा, बट टू डेज ओ शिट यार भाई मुझे ना फ्रेंड का बहाना लगाना चाहिए था कि वो बीमार है। शिट इसने बास्केटबॉल की टिकट्स ली हुई है और हमें जाना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ करके। सो भाई अभी तो मेरे से गलती हो चुकी है ना, डैड टीच मी मैथ्स, गोइंग टू मीट सिक फ्रेंड, ओके ऐसा लिखता हूँ। सो बढ़िया, हाँ अब बढ़िया रहेगा, ओके टीच मी टुमारो। भाई बच्चा मतलब खुश हो गया कि मुझे अगले दिन पढ़ाना, बढ़िया जाके मैच देखते हैं। भाई कार क्रैश होने वाली है क्या? ओ शिट भाई, भाई नहीं होल्ड टू ड्राइव भाई, भाई ओ शिट मैन भाई खतरनाक ही, मतलब कार ही क्रैश होगी भाई। और यहाँ पे मैं आ गया हूँ, मेरे पैर में लगी हुई है खतरनाक। व्हाट हैपेंड टू द कार? भाई मुझे बोला है समवन क्रैश्ड इनटू मी, द ब्रेक्स फेल्ड। भाई ब्रेक फेल्ड का बहाना मारूं या ब्रेक फेल का बहाना मारता हूँ? द ब्रेक फेल्स, सो मैं बच भी सकता हूँ शायद। ओह नो, टेक केयर बेबी। भाई मतलब इसको ज़्यादा टेंशन नहीं हो रही है बस, हाँ सो भाई अब क्या सीन होने वाला है? अब मैं होने वाला हूँ 33 का, हाँ 33 का हो जाऊँगा मैं। अब फिर देखते हैं क्या करने वाले हैं हम लोग। सो फाइनली मैं जो हूँ पूरा 33 का कंप्लीट हो चुका हूँ, और यहाँ पे कुत्ते ने पोटी कर दी हुई है, और ये कुत्ता भाई मेरा है भाई। शिट
द बर्ड डिड इट, योर डॉग डिड इट. भाई मैं इसके डॉग का नेम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि इसका डॉग साथ चला है. बर्ड्स बोलता हूँ तो मैं भी बच भी सकते हैं शायद. दिस इज टू मच फॉर ए बर्ड्स. भाई ये बहुत ज़्यादा है बोला. और ये डॉग का काम तो है नहीं है, बर्ड्स का काम तो है नहीं है. सो मैं बोलता हूँ कि ये तेरे डॉग ने करी है, मेरे डॉग ने नहीं करी है. सो हाँ इसके डॉग ने करी होगी भाई, मेरे डॉग ने नहीं करी है. बोलना मत किसी को. हाँ चुपचाप से रहो. सो बैड डॉग. भाई अपने डॉग को गंदा हो रहा है. हाँ मैं बच गया भाई, अपने डॉग को मारेगा अब घर जाके. बढ़िया. अब यहाँ पे क्या डॉग इन स्कूल. अच्छा स्कूल को ले जाना है क्या डॉग भाई. अच्छा हाँ भाई हम लोग डॉग को स्कूल लेके आ जा रहे हैं. मैं बोल रही है कि स्कूल में डॉग लानी है. ही इज़ माई इमोशनल सपोर्ट एनिमल, जस्ट स्टफ टॉय. भाई स्टफ टॉय का बहाना लगाता हूँ क्या, मतलब बच्ची जाऊँ. मतलब हाँ ये हिलना नहीं चाहिए बट भाई. ओके लेट मी चेक. ओ शिट भाई ये काट डालेगा इसको यार. भौंक पड़ा भाई ये. भाई शिट यार नहीं यार मुझे ऐसा नहीं करना. सो भाई हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था. हमें पता है क्या करना है. अब हमें ये सीन करना है कि हमें अब बोलना है कि हाँ मतलब हाँ काट दिया उसको डॉगी ने. अब क्या ही बोल सकते हैं हम. अब हम आगे पहुँच गए मतलब अगली एज में. और यहाँ पे हमें स्कूल से भागना है. सो हाँ ये सब भाग चुके हैं, मुझे भी भागना है यहाँ पे. सो शिट चलो भागो 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 भागो. भाई जंप कर दे यार. भाई शिट शिट चल 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 चल. सो भाई मतलब हाँ जंप कर लिया पर इतना ज़्यादा सही जंप नहीं करा हुआ मैंने जितना ज़्यादा मुझे करना चाहिए था नेक्स्ट डे इन स्कूल. सो अगले दिन भाई टीचर अब मुझे पूछेगी भाई स्कूल यस्टरडे. ओके आई थॉट इट वॉज संडे, माई आंट पास्ट अवे. भाई ऐसा बोलता हूँ कि मेरी आंटी पास हो चुकी थी. मतलब हाँ पास नहीं मतलब मर चुके थे, उस वजह से नहीं मैं आ पाया हूँ. ओके सो मैं बच चुका हूँ फाइनली. सो गाइस फाइनली जो है मुझे लगता है ये गेम ख़त्म हो चुकी है. मतलब हाँ इसके लेवल्स काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो चुके हैं. सो हाँ होप आप लोग